रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना स्टारर अनुपमा इन दिनों खूब सुर्खियों में बना हुआ है। शो की टीआरपी रेटिंग बढ़ाने के लिए मेकर्स अनुपमा ने धमाके पर धमाका कर रहे हैं, लेकिन अनुपमा का कट ट्रैक दर्शकों के सिर के ऊपर से जा रहा है। दरअसल अब काव्या ने अनुपमा को बता दिया है कि वह वनराज नहीं बल्कि अनिरुद्ध के बच्चे की मां बनने वाली है। बीते दिन भी रूपाली गांगुली के अनुपमा में देखने को मिला कि काव्या अनुपमा को अकेले में ले जाकर बताती है कि वह अनिरुद्ध के बच्चे की मां बनने वाली है। इस बात से अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह काव्या को उसकी धोखेबाजी के लिए फटकार भी लगाती है। हालांकि रूपाली गांगुली के अनुपमा में आने वाले ट्विस्ट और टर्न्स यहीं पर खत्म नहीं होते हैं। रूपाली गांगुली स्टार अनुपमा में देखने को मिलेगा कि अनुपमा काव्या को फटकार लगाएगी कि उसने अपना ही घर तोड़कर रख दिया। अनुपमा काव्या को फटकारेगी कि पहले उसने वनराज के साथ मिलकर अनिरुद्ध को धोखा दिया और अब अनिरुद्ध के साथ मिलकर वनराज को धोखा दे दिया। वही जब काव्या सफाई देने की कोशिश करेगी तो अनुपमा उस पर भड़केगी और कहेगी कि तुम अपने धोखे पर पर्दा नहीं डाल सकती हो। अनुपमा काव्या को शादी की 25वीं सालगिरह पर मिला धोखा भी याद दिलाएगी। गौरव खन्ना स्टार अनुपमा में देखने को मिलेगा कि अनुपमा की बातें सुनने के बाद काव्या खुद को बेचारी कहेगी। वो बताएगी कि एक वक्त ऐसा था जब सबने मुझे पराया कर दिया था। इस बच्चे के आने से मुझे जीने की उम्मीद मिली, यहाँ तक कि वनराज भी मुझे प्यार करने लगा था, परिवार की अटेंशन मिलने लगी थी, लेकिन अनुपमा उसकी एक बात नहीं सुनती और काव्या को सबके सामने सच जाहिर करने की सलाह देती है। वो काव्या को सलाह भी देती है कि वह वनराज से तलाक लेकर अपने बच्चे के साथ जिंदगी शुरू करे। अनुपमा में एंटरटेनमेंट यहीं पर खत्म नहीं होता है। शो में देखने को मिलेगा कि वनराज अनुपमा को काव्या को ढूंढते ढूंढते उस कमरे तक जा पहुंचेगा, जहां दोनों बातें कर रही होंगी। वो काव्या को ये कहते हुए सुन लेगा कि यह बच्चा वनराज का नहीं बल्कि अनिरुद्ध का है। इस बात से वनराज को झटका लगेगा और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अनुपमा के स्पॉइलर वीडियो में भी देखने को मिला कि वनराज खुद को कार में बंद करके चीखता है। वहीं अंकुश की नाजायज औलाद भी कपाड़िया मेंशन में कदम रखती है। फिलहाल आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।